You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. सो गाइज वेलकम टू आवर न्यू वीडियो पबजी मोबाइल के एक और बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले में आप सभी का स्वागत है। प्लस ये गेम प्ले मेरा अभी करंट का नहीं है, गेम प्ले मेरा तब का है जब सीजन स्टार्ट हुआ था, शायद मैं डायमंड पे था, शायद डायमंड 3-2 उस टाइम का गेम प्ले है। बट मैं ये चीज़ बताना चाहता था बिकॉज हाउ टू इंक्रीज केडी, क्योंकि केडी इंक्रीज करने का एक टाइम होता है सीजन स्टार्टिंग में या सीजन के एंडिंग में। बीच में केडी कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती बिकॉज कोई एस के लिए पुश करता है, कोई कॉनकरर के लिए पुश करता है, तो आप समझ पा रहे हो। तो वही चीज़ इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगी। वीडियो एंड तक देखोगे शायद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कैसे केडी मेंटेन रखते हैं, कैसे बढ़ाएं सीजन स्टार्टिंग में, कैसे सीजन के एंडिंग में बढ़ाएं। तो भाई सबसे पहली बात, भाई स्टार्टिंग जो मतलब बात अलग अलग होंगी, सीजन स्टार्टिंग में आप सोलो स्कैड खेलो जितना ज़्यादा हो उसके, बिकॉज स्कैड खेलोगे किल्स बढ़ जाएंगे आपके टीम में। बिकॉज जब सीजन स्टार्ट होता है ना गाइस, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में डायमंड तक मान लो, पहले बंदों को पबजी खेलना नहीं आता था, बट अब लोगों को पबजी खेलना आता है तो लोग क्राउन और एस आराम से पुश कर जाते हैं। बट पहले क्या था, खेलना नहीं आता, तो भाई आप डायमंड में हो, डायमंड तक आप सोलो स्कैड खेलो जितना हो सके, बिकॉज मेन रीजन क्या है, डायमंड तक आप आराम से बंदों को भी मार दोगे अगर आपके अंदर स्किल्स है। स्किल्स नहीं है तो देखो यार वही बात है, आप जिस बंदे के अंदर स्किल नहीं है वो क्या कर लेगा, वो तो स्कैड के साथ खेलो, वो तो फन के लिए खेल रहे हैं। अगर आपको स्किल्स बनानी है, आपकी केडी मेंटेन करनी है, तो सब चीज़ तो बात यही है कि बंदों को खेलना आ गया तो एस कर जाते हैं, बट डायमंड तक अच्छे बंदे नहीं आते। वहाँ पे आप सोलो स्कैड खेलो, बिकॉज सोलो स्कैड में क्या है, जितना आप पुश करके खेलोगे, मैंने क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट मेरी केडी कैसे मेंटेन रहती है, मेरी केडी की स्टोरी बता रहा हूँ, मैं अलग तो बताऊँ कैसे मेरी केडी मैं ऐसे ही मेंटेन रखता हूँ। सीजन जब स्टार्ट होता है डायमंड तक मैं बिल्कुल टोटल जितना मेरे से ज़्यादा हो उसके मैं सोलो स्कैड खेलने की ट्राई करता हूँ, और मैं अंधा पुश करता हूँ, मतलब अंधा जिसको बोलते हैं, जिससे मेरी केडी शायद 15 या 17 इतनी चलती है। एक इस सीजन तो शायद बहुत 23 की केडी चल रही थी मेरी सीजन, शायद मैं प्लेटिनम 1 तक आ गया था तब तक की 23 की केडी चल रही थी। तो केडी भाई मतलब मेंटेन कैसे रहती, यही सीन है, स्टार्टिंग में फुल रस खेलो जितना ज़्यादा हो उसके, कैसे भी करके भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर क्या है, सीजन जब धीरे धीरे आप रैंक पुश करोगे, जब क्राउन में आ जाओगे, फिर थोड़ा वही बात है यार, रैंक पुश की तरफ बढ़ोगे, फिर एस में जाओगे, अगर कॉनकरर करो फिर कॉनकरर करोगे, तो वहाँ पे वो केडी धीरे धीरे अगर कम भी होगी, मतलब 23 की केडी मैंने मेंटेन, चलो आप 15 की रखते हो, कम होगी तो 7-8 तक की केडी वो एंड तक आराम से रह जाएगी। बस सबसे पहली बात है स्किल्स बनाओ जितनी ज़्यादा उसके, और उसके बाद अपने गेम प्ले पे उसको फोकस कर दो, सोलो स्कैड खेलो डायमंड स्टार्टिंग में, एंडिंग में करनी हो तो बात यह कि आपका लगा लो सीजन में एंड में कॉनकरर हो गया, वो तो बात थी सीजन स्टार्टिंग की, मतलब आप फुल पुश करोगे। बात आती सीजन एंड में, सीजन एंड में क्या होता है गाइस, आप कॉनकरर पहुंच गए, लगा लो आपने कॉनकरर करना था, एस करना था, आप एस पहुंच गए, उसके बाद आपको क्या सीन करना है, उसके बाद वापस वही स्ट्रेटजी अपनानी है। एक बार एक गेम प्ले देखो उसके बाद बताता हूं। मतलब ये बंदे इतने नशे में लूट कर रहे थे ना, इनको कोई था भाई परवाही नहीं थी, इनको बस लूट चाहिए थी, बेचारों के पास लूट नहीं होगी शायद। तो बात कर रहे थे रैंक, मतलब केडी मेंटेन की, रैंक पुश के साथ साथ वो केडी मेंटेन वाली बात भी चल रही है। तो मतलब भाई अगर आपको वहाँ पे उस टाइम पे केडी मेंटेन रखनी है अच्छे से, सीजन एंड की बात कर रहा हूँ, तो एस के बाद क्या होता है गाइस, लोग है ना अपना इतना कैंप करने लग जाते हैं कि वो इतना पुश नहीं करते। वहाँ पे आपको सीजन एंड में बेनिफिट फिर से होगा, आप अंधा पुश वापस से करना स्टार्ट करो, बिकॉज बंदों की जो स्किल्स होती है ना वो तब तक डाउन हो चुकी होती हैं, क्योंकि उन्होंने भाई फुल कैंप कर करके एस पहुंचे या कॉनकरर पहुंचे, उसके बाद उनके अंदर स्किल कहां से बचेंगी। तो वहां पे आप वापस से वही स्ट्रेटजी अपनाओ और अच्छे से किल निकालो, और चलो अब बढ़ते हैं अपने गेम की तरफ, काफी
केडी की बातें कर ली, तो यहाँ पे हिमाय मिलिट्री बेस और यहाँ देखो फिर घमासान। ये बंदे लेट गए भाई डर के मारे। तो गाइज इन बंदों को मैंने बिल्कुल आसानी से मार दिया। जैसा कि मैंने बताया ये गेम प्ले तब का है जब मैं डायमंड 3 और डायमंड 2 शायद उस टाइम का है, तब मैं सोलो कर सीजन स्टार्टिंग तो नहीं कह सकते उसको, 1 वीक के अराउंड हो गया था मेरे को, तब का है, तब मैं ऐसा खेलता था। और इस गेम में मैंने शायद 24-25 किल्स की हैं। मतलब यार उतनी इतनी किल्स आप स्टार्टिंग में निकाल लोगे अच्छे से स्किल्स बना के, तो आपकी KDR मेंटेन क्यों नहीं रहेगी आराम से, क्योंकि KDR एट द एंड यही है ना, आप कितने बंदे मारते हो गेम के अंदर अपने मरने से पहले, या कितने चिकन निकालते हो 0 किल्स 1 किल 2 किल 5 किल 10 किल के साथ, कैसा भी लगा लो KDR ऐसे ही मेंटेन होती है। सीजन स्टार्टिंग में भाई बेस्ट टाइम होता है, आप अच्छे से पुश करके खेलो, अच्छी KD मेंटेन करो, फिर अपनी स्क्वाड के साथ कॉन्करर या एस पुश करो और वो KD अच्छे से मेंटेन रखो, फिर कोई अच्छी स्क्वाड अच्छी क्लैन ज्वाइन करो, उसके बाद भाई आसानी से मतलब आपका सारा सीन चल जाएगा। तो भाई फिर अब अपने को ये बातें छोड़ के अब हम गेम की तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि गेम भी तो दिखाना है। मैंने 21 किल कर दी आपको मैंने बातों बातों में, बिकॉज स्टार्टिंग में बोट्स काफ़ी आते हैं। मतलब मानने तो अगर आप 15 किल का गेम निकालते हो 20 किल का लगा लो तो उसमें से 5 से 7 बोट होंगे, जो कि भाई बहुत अच्छी बात होती है, जो कि आपकी प्लस से उनकी KD मेंटेन हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे को बंदा दिखता है, देखो इसको कैसे मारता हूँ। फिर तो अब जो गेम प्ले अभी आपने ये देख रहे हो, इस गेम में मेरे को आराम से 7-8 बोट मिले हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिले। अब आप कहोगे यार ये तो बोट का गेम प्ले, भाई गेम प्ले मेरा इस ये दिखाना गेम प्ले का कोई मकसद ही नहीं था। गेम प्ले मेरे पास पुराना पड़ा था, तो मैंने कहा कि भाई आज थोड़ी सी डिफरेंट वीडियोज लाते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लाते हैं, क्योंकि यार बीच बीच में लानी भी चाहिए। तो ये अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे आप कमेंट्स में मेरे को ज़रूर से ज़रूर बता देना। प्लस स्टार्टिंग में भाई बेस्ट टाइम है KD मेंटेन का, मैं तो हर सीजन यही करता हूँ जिसकी वजह से मेरी KD अच्छी चलती है। मैं इस सीजन थोड़ा सा मैं नहीं कर पाया, बिकॉज मेन रीज़न क्या हो गया कि मैं रैंडम्स के साथ थोड़े से फन करने लगा, तभी एक बग्गी दिखती है। अब देखो इस बग्गी को कैसे मारते हैं, प्लस सीजन स्टार्टिंग में इस गेम के एंड में मैं एक गलती करता हूँ, वो गलती मैं आपको दिखाता भी हूँ क्या, वो मत करना, वो बहुत बंदे करने की ट्राई करते हैं, मैं भी करता हूँ, ट्रोलिंग वाली। मतलब जो आप ट्रोलिंग वीडियोस देखते होगे यूट्यूब पे, बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई डालते हैं उस टाइप की, मैंने सोचा कि नूब लोबियाँ होती हैं उनमें मैं ट्रोलिंग की थोड़ी सी कर लेता हूँ कभी कभी ट्राई, और वही सीन मेरे को गलती दे देता है इस गेम में, वो मत करना, वो आपको KD में काफ़ी इफेक्ट करेगा। तभी मैंने गेम प्ले डाला, बिकॉज ये थोड़ी सी अलग अलग घटनाओं के साथ घटा हुआ था। तो यहाँ पे देखो इन बंदों को मैं कैसे मार रहा हूँ, यहाँ पे इस बंदे को मैं नॉकआउट करने के बाद मेरे को फुटस्टेप आ रहे थे, पर समझ नहीं आ रहा था बंदे कहाँ हैं। तो इस घर में गया, बिकॉज स्टार्टिंग में भाई कैंपर्स की हद देखो, मतलब ये बंदे कुछ अलग ही लेवल के कैंपिंग कर रहे थे, क्या ही देखना लेट जाएगा वो लोंडा लिटरली मतलब। और ये बंदा बहुत मार रहा था, मतलब इस बंदे के पास शायद ये बोट हो कैसा भी हो, बट भाई इसने बहुत बंदे मारे, क्योंकि मैं नेम फील्ड देख रहा था बहुत ज़्यादा बंदे। यहाँ पे देखो अब मैं वो ट्रोलिंग वाली चीज़ करता हूँ, देखो मैं ओपन में आके खड़ा हो गया, मैंने सोचा जो ये नॉकआउट है इसको मारूंगा और दूसरा आराम से, बट मैं देखो गाइस ये गलती होती है जो सीजन स्टार्टिंग में हर कोई सीजन स्टार्टिंग में क्या है मिडल में कभी भी हो सकती है, मैंने सिर्फ मैं हमेशा करता हूँ जब मेरे को ये लगता है ना कि सामने वाले नूब हैं, ये ट्राई कभी भी मत करना।
सीजन स्टार्टिंग हो एंडिंग हो भाई बोट वाला काम, या इसके लिए स्पेशल आप एक अलग आईडी बनाओ बिल्कुल बोट लेवल की जीरो से, तब सारे बंदे ऐसे आएंगे तो करो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा करोगे, जैसा करोगे जैसा ठीक है। बट केडी मेंटेन की मैंने सारी मेरे हिसाब से सीजन स्टार्टिंग सीजन एंडिंग की थिंग्स बता दी, कैसे आप 10 की केडी मेंटेन रख सकते हो। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद जय भारत। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।